योगी सरकार ने यूपी में 1.91 करोड़ स्टूडेंट के पेरेंट्स के खाते में 1200 रुपए ट्रांसफर किए। पहली से आठवीं तक के स्टूडेंट के जूता, मोजा, स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए ये मदद दी गई है। आपको बता दें, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने स्कूल परिसर साफ रखने वाले स्कूलों के प्रिंसिपल और ग्राम प्रधानों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार भी दिया। वही 26 जुलाई को कैबिनेट बैठक हुई थी, इसमें स्टूडेंट को दी जाने वाली मदद का मुद्दा रखा गया। योगी सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्कूल बैग के लिए 170 रुपए, जूते मोजे के लिए 125 और स्वेटर के लिए 200 रुपए दी थी। मतलब इन सभी के चलते कुल 1100 रुपए सीधे लाभार्थियों को दिए जाते थे, जिसमें 600 रुपए केंद्र सरकार और 500 रुपए राज्य सरकार अपने बजट से देती है। अब इसे बढ़ाकर योगी सरकार ने 1200 रुपए कर दिए हैं, जिसमें 100 रुपए की राशि से स्टेशनरी जैसे 2 पेंसिल, 2 पेन, 2 शॉर्पनर, 2 रेजर और 4 कॉपी ले सकेंगे। इसमें सीएम योगी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद हो गए थे, एजुकेशन की बुनियादी जरूरत टीचर के साथ इंटरेक्शन है। अब स्कूल चलो अभियान फिर से शुरू हुआ है। पहले स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं थी, परिसर में पेड़ झाड़ियां उठती रहती थी। 2017 से पहले तक कहीं भवन नहीं, कहीं टीचर नहीं। पेरेंट्स चाहते थे कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाएं। आज हमारे प्रयासों से हमारे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके लिए 1.62 लाख टीचर्स की भर्ती भी की गई। ऑपरेशन कायाकल्प से स्कूलों की तस्वीरें बदल दी गई। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि बड़े पैमानों पर बच्चे नंगे पैर स्कूल आते थे, हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि हर बच्चे के पैर में जूते हो, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल जाने से बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।